हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपना डीसीएम का पेपर नंबर 40। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं और अपना टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। और आपको पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम हैज ऑर्बिटल वेलोसिटी वी। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम विल बी। तो ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन होता है। बात करें लिथियम एटम की तो यहाँ से आपके पास V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं V5 अपॉन क्या देगा V3 इक्वल टू N3 कितना देगा 3 और ये N5 क्या हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, देखो V5 आपको पूछ रखा है तो V5 और इसको बोल रखा है V बोल रखा है तो ये आपके पास है 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में V5 इक्वल टू कितना देगा 3V/5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से क्या करे। द फर्स्ट बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन द सेम स्पेक्ट्रम। देखो अपन बात करते हैं बामर सीरीज की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास में क्या देगा, अभी एन इक्व टू क्या देगा 1, एन इक्व टू 2, एन इक्व टू क्या देगा 3 और इसको अपन बोल देते हैं एन इक्व टू इन्फाइनाइट हो गया। तो इसको अपन बोल देते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये अपने पास में क्या देगा इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो आपके पास में फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात कर रहे हैं तो बामर सीरीज इसका मतलब फर्स्ट लाइन हो गई, इसका मतलब 3 से किसके अंदर आ रहा है 2 में आ रहा है, एक तो ये बात होगी। इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है। ओके, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी बताओ ये हो जाएगी। इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको पूछ रखी है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला अपन जानती हैं 1/λ इक्व टू क्या होता है अभी R Z² हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जेड अपन 1 लिख देंगे और इसके बाद 1/N1² माइनस क्या हो जाएगा बताओ 1/N2² हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करा देखो 1/6563 एंगस्ट्रॉम इक्व टू क्या हो जाएगा R। अब बात सुना अभी किसकी बात करा अभी बामर की फर्स्ट, तो बामर की फर्स्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है तो 1/4 माइनस क्या देगा 1/9 हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ 5R/36 हो गया। इक्वेशन नंबर इसको अपन 1 बोल देते हैं। ओके, इसके बाद ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ क्या देगी बताओ 1/λ इक्व टू आर, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 से 1 में तो 1/1 माइनस 1/2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ 3R/4। ठीक है, इसके बाद इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अपन क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा बताओ, डिवाइड करेंगे ये अपने पास आ जाएगा लेमडा अपॉन इसको अपन बोल देंगे 6563। ठीक है ना, और इक्व टू क्या बन जाएगा 5R/36 हो गया और इसको अपन क्या बोल सकते हैं 3R/4 हो गया। R से अपन R को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, और इसके बाद में ये अपना जो R है R से R कैंसिल आउट हो चुका है तो R से R कैंसिल आउट होते ही लेमडा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में तो लेमडा इक्व टू क्या बन जाएगा बताओ 6563 एंगस्ट्रॉम इंटू R से R कैंसिल आउट हो चुका है तो क्या बन जाएगा बताओ ये 4 36 9 आ गया तो 5/27 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास 5/27 एंगस्ट्रॉम तो 5/27 इंटू 6563 तो 5/27 6563 एंगस्ट्रॉम थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रिडबर्ग फॉर्मूला आप जानते होंगे इसको। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिएगा। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो बात सुनो अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अपन बात करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है K Z E² अपॉन क्या होता है 2R और पोटेंशियल एनर्जी होती है
माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है। अब अगर अपन आर को इंक्रीज करते हैं तो आर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, यू इंक्रीजेस एंड के डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अपने को एक रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पे अपने को ये बोला जा रहा है कि कब जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है वो अपने को अचीव हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे आपका जो बी है उसके रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डीके, इन दोनों की रेट सेम हो जाती है, तो अल्टीमेटली बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या जाती है, सेम हो जाती है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा तब होगा जब एक्टिविटी ऑफ ए बराबर क्या देगी बताओ, एक्टिविटी ऑफ बी। तो इसको अपन बोल सकते हैं लेमडा ए एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बी एन बी हो गया। समझ गए बात आप। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, डी के कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए एंड बी आर वन पर ईयर, जो ए है उसका क्या दे रखा है, वन पर ईयर दे रखा है। ठीक है ना, तो लेमडा अपन बोल सकते हैं वन पर ईयर, तो वन पर ईयर, तो पर ईयर का मतलब कितना देगा भाई, 365 डेज। ठीक है ना, 24 आवर्स 60 मिनट्स, ये मिनट्स में आ गया, और इनटू क्या देगा बताओ, एन ए बराबर जो लेमडा भी है उसका क्या देगा आपको, वन पर मिनट, तो ये कितना देगा, वन पर मिनट हो गया, वन इंटू क्या देगा बताओ, एन बी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए एंड बी, तो आपको एन ए बाई एन बी पूछा जा रहा है, तो एन ए बाई एन बी ये आपको पूछा जा रहा है। तो एन ए बाई एन बी कितना देगा आपके पास बताओ, किसको अपन बोल सकते हैं, वन, ये बन जाएगा आपके पास एन ए अपॉन एन बी, तो बन जाएगा आपके पास में कितना, 52560:1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो देखो ये कह रहा है कि 24 वोट का बल्ब है और वेवलेंथ दे रखी 6600 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपको पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है भाई, पी लेमडा अपॉन एच सी, और इसको अपन सोल्व करें तो ये अपने पास में ऑलमोस्ट ये आता है 5×10^24 इंटू क्या देगा आपके पास में, पी लेमडा हो जाएगा। तो 5×10^24 इंटू पी कितना देगा, 24, और लेमडा कितना देगा आपके पास है, 6600 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10^-10 हो गया। ठीक है ना, इसको सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो व्हेन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। ठीक है ना, व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी बाई 3। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सरफेस इज, बात सुनना भी। देखो आपको पता है फॉर्मूला होता है के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस क्या होता है, फाई नॉट होता है। तो के मैक्स को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ई वी इक्वल टू क्या देगा, एच सी बाई लेमडा, माइनस इसको अपन बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दे रखी है, दोनों के लिए अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले क्या देगा बताओ, ई वी इक्व टू एच सी बाई लेमडा माइनस क्या देगा, एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, और दूसरे केस में अपन क्या करते हैं, वी बाई 3 हो जाता है जब वेवलेंथ को 2 लेमडा कर देते हैं। तो ये ई वी को बोल दो वी बाई 3 इक्व टू एच सी बाई लेमडा को बोल दो आप 2 लेमडा, माइनस क्या बन जाएगा बताओ, एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। समझ गए बात आप, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और दोनों इक्वेशंस को जैसे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास लेमडा नॉट की वैल्यू है वो लेमडा के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। फिर अपन देखो क्या करें, ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज इक्वल एनर्जी ई, द रेशियो लेमडा फोटोन अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन इज। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोटोन की, बात करते हैं तो फोटोन के लिए ई इक्व टू क्या होता है, एच न्यू इक्व टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। तो यहां से आपके पास है लेमडा, इसको अपन बोल सकते हैं फोटोन, तो लेमडा फोटोन इक्व टू क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन ई आ गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं लेमडा इलेक्ट्रॉन की, बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एक मास पार्टिकल हो गया, तो इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो क्या बन जाएगा भी,
एच अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू क्या देगा, ई हो जाएगा। समझ गए? तो अब अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना है किसका, लेमडा फोटोन अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो लेमडा फोटोन यहाँ से फुट कर देंगे, लेमडा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फुट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इफ लेमडा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए प्रोटॉन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सलेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू इंटू क्या देगा बताओ, वी देगा। तो यहाँ पे आपका जो v है वो सेम हो गया, h वैसे सेम है, तो अपन लिख सकते हैं लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m इंटू क्या देगा बताओ, q देगा। समझ गए? अब अपन बात करते हैं लेमडा एल्फा इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करें प्रोटॉन की बात करें, एल्फा की बात करें, तो एल्फा का जो मास है वो कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, और जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास लेमडा नॉट अपॉन 2 रूट 2, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, देखो ये कह रहा है कि 90% ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल आर फाउंड टू रिमेन अनडिकेड आफ्टर 1 डे, द परसेंटेज ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर 2 डेज विल बी, एक दिन बाद में 90% हो गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि पहले कितना था बताओ 100, एक दिन बाद में कितना देगा बताओ 90, समझ गए, फिर उसके बाद अगले दिन बाद में कितना देगा भी, इस 90 का 90% कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होता है, यानी एक दिन बाद में 90, फिर उसके बाद उसका 90, उसका 90, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो 90 का 90% कितना देगा, 90 इंटू 90% निकालना अपने को, कितना देगा 90 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, तो ये अपने पास में कितना देगा तो 81% आ जाएगा। समझ गए बात आप, तो 81% यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि लेट न्यूमन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। देखो सबसे पहले लाइमन सीरीज की बात कर रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में बामर सीरीज की बात कर रहा है। तो n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बोल दो, इसके बाद इसको अपन बोल देते हैं इनफाइनाइट बोल देते हैं, 1, 2, 3 और इसके बाद इनफाइनाइट हो गया। तो न्यूमन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, एन इक्वल टू 1 में आ रहा है, और सीरीज लिमिट की बात करें मतलब कहाँ से आ रहा है बताओ, इनफाइनाइट से, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी बताओ, न्यू वन हो जाएगी। न्यू टू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी, ये होगी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, न्यू टू बोल देंगे। एंड न्यू थ्री बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है बताओ, इनफाइनाइट से, एन इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे न्यू थ्री बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, देखो एनर्जी की अगर अपन बात करते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, ये बन जाएगी आपके पास है E2 प्लस E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, E2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, E3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन E को अपन क्या बोल सकते हैं, H न्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H न्यू 2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, H न्यू 3। तो न्यू 1 इक्वल टू न्यू 2 प्लस क्या हो जाएगा अभी, न्यू 3 हो जाएगा। तो न्यू 1, तो यहाँ से अपने को देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, न्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 2 प्लस न्यू 3, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का न्यू 2 उधर जा करके प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेज एट टाइम्स दैट ऑफ द फाइनल स्टेज, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2 आर, ठीक है ना, एट टाइम्स देयर का टाइम पीरियड। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम पीरियड की बात करते हैं, टी इक्व टू क्या होता है, 2πr/v होता है, तो यहाँ से आपके पास टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v आ जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, देन वी कैन राइट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z² हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखना, देखो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n³ हो जाएगा, समझ गए,
क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब यहां से आपके पास है टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन टू अपॉन एन वन, इसकी पावर क्या बन जाएगी बताओ, थ्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये बन जाएगा टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू की पावर, ये आपके पास है थ्री बन जाएगा। और टाइम पीरियड अब वो कितना देर का आपको बताओ, इसका रेशियो देर का 8:1 देर का है, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, एन वन अपॉन एन टू इक्वल्स टू 2:1 बोल दो इसको आप, या इसको आप क्या बोल सकते हो, 4:2 बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एन वन कितना देगा 4, एन टू कितना देगा 2, तो 4:2 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कॉन्स्टेंट रेट एक्स, तो ये तो क्या होगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन होगी। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज वाई, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव निकले बिकम कॉन्स्टेंट, यानी इसका मतलब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अपने को गेन हो चुका है, द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इज, तो ध्यान से देखना देखो ये अपने को जो कॉन्स्टेंट है ये अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, समझ गए बात आप, तो बात सुनो भाई, इस केस में रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डीके हो देगा, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर किस रेट से बन रहा है बताओ, यहाँ पे एक्स रेट से बन रहा है, समझ गए बात आप, एक्स रेट से तो बन रहा है, ये तो इसके बनने की रेट होगी, फिर उसके बाद किस रेट से डीके कर रहा है वो हो जाएगा आपके पास लेमडा एन हो जाएगा, तो एक्स यूज टू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एन। अब बात सुना भी, ये आपको जो कॉन्स्टेंट न्यूक्लियाई कॉन्स्टेंट हो जाता है, अब ये कॉन्स्टेंट आपको पूछा जा रहा है यानी कितने न्यूक्लियाई हो जाते हैं, समझ गए बात आप, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ये बन जाएगा एन हो गया। अब यहां से आपको एन कैलकुलेट करना है, ये एन ही आपको कैलकुलेट करना है, तो एन इक्वल टू क्या बन जाएगा एक्स अपॉन लेमडा। अब अपन जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या बनता है अभी 0.693 अपॉन क्या होता है, या एक फॉर्मूला अपन जानते हैं टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ आपको यहां पे क्या दे रखा है बताओ, हाफ लाइफ आपको गिवन है यहां पे, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है अभी एल एन टू अपॉन लेमडा होता है, तो यहां से लेमडा इक्वल टू क्या बन जाएगा एल एन टू अपॉन क्या देगा बताओ टी, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी एक्स बोल देंगे, और लेमडा को अपन क्या बोल सकते हैं अभी एल एन टू डिवाइडेड बाई क्या देगा टी, और हाफ लाइफ यहां पे आपको क्या बोल रखी है बताओ वाई बोल रखी है, तो एक्स वाई अपॉन एल एन टू ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। केवल इसके अंदर जो नोटेशंस है वो अपन ने चेंज किए, बाकी क्वेश्चन आसान है और कुछ नहीं है। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, अपन क्या कर रहे हैं देखो, क्वेश्चन देखिएगा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम एटॉमिक नंबर जेड इज सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बॉमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लेमडा मिनिमम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फाइनाइट से आ रहा है, ठीक है ना, यानी सीरीज लिमिट की अपन बात कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन है एन वन इक्वल टू कितना देगा अभी 4, और एन टू इक्वल टू कितना देगा बताओ इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा भाई 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, इसके बाद 1/N1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, माइनस क्या देगा 1/∞, ये आपके पास में 0 आ जाएगा। ओके अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो बामर सीरीज, तो लाइमन बामर यानी आपके पास जो एन वन है वो कितना देगा अभी 2, और एन टू है वो कितना देगा बताओ इन्फाइनाइट, तो इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर लेमडा कितना देगा अभी 1/λ इक्व टू आर, हाइड्रोजन के लिए जेड वन हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना देगा बताओ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों की वेवलेंथ आपको सेम बोल रहे हैं, तो 1/λ 1/λ को इक्वेट कर दो आप, तो क्या बन जाएगा बताओ आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन 16 इक्व टू ये क्या देगा आपके पास 1/4, तो जेड स्क्वायर इक्व टू 4, तो जेड इक्व टू क्या बन जाएगा बताओ 2, तो जेड इक्व टू 2 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना, दोनों की वेवलेंथ आपको यहाँ पे इक्वेट करनी सेम करनी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखो, देखिएगा ए न्यूट्रॉन ए प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल एंटर ए रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, ठीक है ना,
द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर. ओके, विच ऑफ द शोन ट्रैक्स आर फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सबसे पहली बात है कि सबकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी. अब ये मेरा राइट हैंड है, ये वेलोसिटी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो पॉजिटिव पार्टिकल तो इधर की तरफ आएंगे. इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों तो पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे बताओ, पॉजिटिव. और ये दोनों पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव. और ये वाला जो पार्टिकल है वो कैसा हो जाएगा बताओ, न्यूट्रल हो जाएगा. समझ गए बात आप? तो यहाँ पर जो सी है उस सी को तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ये तो आपके पास में न्यूट्रॉन आ जाएगा भी. अब अपन जानते हैं कि R इक्व टू क्या होता है, R इक्व टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम हो गया और जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. ठीक है ना, और वेलोसिटी सेम दे रखी है तो अपन लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा बताओ, एम अपॉन क्यू हो गया. समझ गए बात आप? अब देखना ऐसे देखो किस किस की बात कर रहा है भाई. शोन ट्रैक्स आर फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो अपन देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए जो एम बाई क्यू रेशियो है, अल्फा पार्टिकल के लिए एम बाई क्यू रेशियो, तो अल्फा पार्टिकल के लिए कितना देगा भाई, मास कितना होता है, 4m होता है. ठीक है ना, और चार्ज कितना होता है भाई, 2e होता है. तो कितना बन जाएगा आपके पास बताओ, 2 आ जाएगा ये रेशियो. ठीक है ना, और यानी इसके लिए जो एम बाई क्यू रेशियो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. अब पॉजिटिव कौन कौन हो सकते हैं बताओ, एक तो प्रोटोन हो सकता है, और प्रोटोन की बात करते हैं, प्रोटोन की तो प्रोटोन है, तो प्रोटोन के लिए m कितना देगा बताओ, m, और ये कितना देगा बताओ, e, तो ये वाला रेशियो कितना देगा, 1 हो जाएगा, m बाई क्यू रेशियो. तो m बाई क्यू रेशियो की बात करें तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या है, ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी. तो पॉजिटिव में ज़्यादा रेडियस किसकी आ रही बताओ, b की, तो ये b आपका क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा बन जाएगा, और a क्या बन जाएगा बताओ, प्रोटॉन बन जाएगा. समझ गए बात आप? अब देखो ध्यान से, ये आपके पास में एक तो क्या भाई, इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन की ये कौन कौन से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो अब अपन बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. और इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है प्रोटॉन के मास का लगभग 1840 गुना कम होता है. तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत कम होगा तो इसकी रेडियस बहुत कम हो जाएगी, और रेडियस अगर कम हो जाएगी तो कम रेडियस वाला जो ट्रैक है वो इसका हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये किसका हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा. ओके, तो क्या बन जाएगा बताओ, बी और डी. ठीक है ना, तो बी और डी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा. ओके, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा हो जाएगा, डी, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी. डी और बी यानी इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी और बी, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा भी, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्डर भी देखना है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एनोड इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एंड एप्सिलॉन नॉट द वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. देखो ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना देगा, के क्यू वन क्यू टू, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है, ई, प्रोटॉन का चार्ज भी कितना देगा, ई, तो ई स्क्वायर. और के को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. रेडियस कितने देगी बताओ, ए नॉट, तो ए नॉट स्क्वायर. तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इसको अपन बराबर कर देते हैं एम वी स्क्वायर अपन आर के. तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर को अपन क्या बोल देंगे, ए नॉट बोल देंगे. इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास में वी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं. ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं इस ग्राफ की बात करते हैं, तो इस ग्राफ को आप इस प्रकार से नीचे की तरफ बढ़ाओगे, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया और ये इसका इंटरसेप्ट हो गया. और आपको पता है कि जो इंटरसेप्ट होता है सी, वो किसके बराबर होता है बताओ, फाई नॉट बाई ई के बराबर होता है. तो जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा हो जाएगा उसका जो वर्क फंक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा. तो वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए. तो यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी, तो स्मॉलर देन बी, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा. ठीक है ना, इसके बाद चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन. क्या करें, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एफ1 एफ2, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मास एम कमिंग आउट आर रेस्पेक्टली वी1 वी2. बात सुनो भी,
अपन जानते हैं कि केम एक्स इक्वल टू क्या होता है अभी ई माइनस क्या होता है फाई नॉट होता है, तो केम एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देंगे एफ माइनस क्या हो जाएगा बताओ फाई नॉट हो जाएगा। इसको दो केस के लिए लगा देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच एफ वन माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट, हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू एच एफ टू माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियल मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड ठीक है ना, इमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 पॉजिट्रॉन्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन फाइनल न्यूक्लियस विल बी, बात सुना भी, किसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन्स के रेशियो की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन्स का नंबर तो क्या देगा बताओ जेड, और न्यूट्रॉन्स क्या होता है बताओ ए माइनस क्या देगा जेड हो गया, समझ गए। अब 3 अल्फा पार्टिकल अगर ये निकाल रहा है तो 3 अल्फा पार्टिकल का मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 3 अल्फा पार्टिकल का मतलब न्यूट्रॉन्स कितने कम हो जाएंगे बताओ, न्यूट्रॉन्स भाई अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है ना, तो प्रोटॉन्स भी कितने से कम हो जाएंगे बताओ 6 से, और न्यूट्रॉन्स भी कितने से कम हो जाएंगे बताओ 6 से ठीक है। एंड 2 पॉजिट्रॉन्स, अब आपको पता है कि पॉजिट्रॉन कब निकलते हैं, पॉजिट्रॉन तब निकलता है जब एक प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रोटॉन है वो सॉरी कितने 2 पॉजिट्रॉन्स, इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं 2 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स है इसको तो अपन क्या कर देंगे बताओ प्लस 2 कर देंगे, और इसको अपन कर देंगे माइनस 2 कर देंगे ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ए माइनस का जेड माइनस का 4 डिवाइडेड बाई जेड माइनस क्या देगा 8, तो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 तो कौन सा जा रहा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट जा रहा है ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अपन देखते हैं क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मेटल्स A1 एंड A2 विद हाफ लाइफ 20 सेकंड एंड 10 सेकंड रेस्पेक्टिवली, इनिशियली मिक्सर इज 40 ग्राम ऑफ A1 एंड 160 ग्राम ऑफ A2, द अमाउंट ऑफ 2 इन मिक्सर विल बी बिकम इक्वल आफ्टर, बात सुनो भी, देखो अपने को A1 और A2 को इक्वल करना है, तो A1 इक्वल टू क्या देगा बताओ A2, तो बात सुना भी, A1 है वो कितना देगा इनिशियली कितना था 40 था, और ये कितना था आपके पास बताओ 160 था डिवाइडेड 2 की पावर n, और n अपन जानते हैं कितना होता है t अपॉन t हाफ होता है, तो t अपॉन t हाफ, तो A1 की जो हाफ लाइफ हो वो कितने देगी बताओ 20, और इसके बाद में 2 की पावर t अपॉन t हाफ, इसकी जो हाफ लाइफ हो वो कितने देगी बताओ 10 हो जाएगी, समझ गए बात आप, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, करते हैं सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 160 बाई 40 इक्वल टू कितना देगा 4, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 2 की पावर 2 बन जाएगा, और इक्वल टू इसको अपन बोल देंगे 2 की पावर ये ऊपर चला जाएगा, तो टी अपॉन 10 माइनस टी अपॉन 20, तो टी अपॉन 10 माइनस क्या देगा टी अपॉन 20, तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इसकी पावर टी अपॉन क्या देगा बताओ 20, तो यहाँ से आपके पास टी अपॉन 20 इक्वल टू 2, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना देगा 40, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहा है, देखो न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बात सुना भी, आपको बताया कि एक तो ये न्यूक्लियस हो गया, एक आपके पास ये अल्फा हो गया, इसका जो मास है वो कितना देगा बताओ 216, और इसका मास कितना देगा 4, अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है कि इनिशियल रेस्ट में था तो फाइनली भी इसका जो बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम है वो जीरो होगा,
तो लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन से अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो पी है वो क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। अब अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम हो जाएगा तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m हो गया। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल इक्वल टू, एल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना देगा, इनवर्स है तो ऊपर मास 216, नीचे कितना देगा 220 इंटू, ये आपके पास है 5.5, और इसको आप सोल्व कर दोगे तो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आ जाएगा अभी, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं। टू रेडियोएक्टिव मेटल्स एक्स वन एंड एक्स टू हैव डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा रेस्पेक्टिवली, इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई एक्स वन टू एक्स टू विल बी 1/e आफ्टर ए टाइम। बात सुनो भाई, देखो अपन देखते हैं कि सबसे पहले n1, तो n1 इक्वल टू कितना देगा बताओ, n नॉट e की पावर माइनस का लेमडा t, तो इसका लेमडा कितना देगा बताओ, 10 लेमडा इंटू t हो गया, ठीक है ना। इसके बाद n2 इक्वल टू कितना देगा, n2 e की पावर माइनस का लेमडा इंटू क्या देगा, t। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, n1 अपॉन n2 करते हैं, n1 अपॉन n2, तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू कितना देगा बताओ, ये बन जाएगा e की पावर माइनस का 10, नीचे आकर के प्लस 10 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन e की पावर 10 माइनस 1, तो e की पावर क्या बन जाएगा बताओ, 9 लेमडा इंटू टी, और ये आपको दे रखा है 1/e की पावर 1, तो यहाँ से 9 लेमडा टी इक्वस टू क्या देगा, 1, तो टी इक्वस टू कितना देगा बताओ, 1/9 लेमडा, तो 1/9 लेमडा इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या करे, ये करे कि व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक सेल देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट। इफ इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। अब ध्यान से देखना, देखो डिस्टेंस को अगर आप चेंज करोगे तो जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी, और इंटेंसिटी से सेचुरेशन करंट है वो चेंज होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले कितना था 4 वोल्ट, बाद में भी कितना रहेगा 4 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कर रहा है, देखो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट टू एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द सेम एनर्जी डिफरेंस फॉर एन एटम विद चार्ज नंबर 10 एंड मास नंबर 20 विल बी। यानी इसका जो जेड है वो कितना देर का है बताओ आपको, 10 देर का है, ठीक है ना। आपको बताया कि E इक्वल टू क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जो एनर्जी गेप है वो कितना हो जाएगा, पहले कितना था बताओ 10.2 था, इसका जेड स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 कर दो तो कितना देगा अभी, 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला देगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं क्या करें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड वोर ऑर्बिट टू थर्ड वोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज जेड इज 68। मतलब आपको कहां से कहां पे भेजना है बताओ, यहां पे आपको भेजना है फ्रॉम सेकंड वोर ऑर्बिट टू थर्ड, सेकंड से थर्ड में भेजना है। तो ई का फॉर्मूला होता है कितना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, सेकेंड से थर्ड में भेजना है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या देगा 9, इक्वल टू क्या देगा आपके पास 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या करे, ध्यान से देखना, देखो मीन लाइफ, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ढंग से पढ़ते नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत नेसेसरी होता है। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव मेटेरियल फॉर एल्फा एंड बीटा रेडिएशन आर 1620 ईयर्स, 1620 ईयर्स एंड 520 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ये मीन लाइफ आपको दे रखी, हाफ लाइफ मत मान लेना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अभी एल्फा और बीटा से एक साथ डिके कर रहा है तो कितनी देर बाद में इसका जो 1/4 ऑफ मेटेरियल रिमेन अनडिकेड। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एल्फा प्लस क्या देगा तो लेमडा बीटा देगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो लेमडा है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/ ये देगा टी एवरेज इक्वल टू ये देगा आपके पास 1/t एल्फा प्लस कितना देगा आपके पास 1/t बीटा देगा,
तो यहां से आपके पास है जो टी एवरेज है, टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टी एल्फा टी बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टी एल्फा प्लस क्या हो जाएगा टी बीटा इक्वल टू 1620 इंटू 520। इसके बाद में 1620 प्लस क्या देगा बताओ, 520 हो गया। अब यहां से इसको आप सोल्व करोगे आपके पास टी एवरेज आ जाएगा, क्या वैल्यू आती है, चलो इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो क्या बन जाता है, ये हो जाता है 1620 इंटू 520 डिवाइडेड बाई 2140, तो ये अपने पास आ जाता 393। ये लगभग आ जाएगा अपने पास 393 ईयर्स आ गया, समझ गए बात आप। अब ये तो क्या रहा है, टी एवरेज आ रहा है। अब अगर अपन बात करते हैं टी हाफ की बात करते हैं, तो टी हाफ इक्वल टू कितना होता है, 0.693 टाइम्स ऑफ टी एवरेज आता है, ठीक है ना। तो इसको 0.693 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा 0.693 इक्वल टू आता है कितना, 272, ठीक है ना। तो इसको लगभग अपन बोल सकते हैं 272 ये आपके पास ईयर्स आ जाएगा, समझ गए बात आप। अब बात सुना भाई, ये तो एक हाफ लाइफ होगी, तो एक हाफ लाइफ बाद में ये क्या हो जाएगा बताओ, 50% हो जाएगा, 1/2 देगा, तो दो हाफ लाइफ बाद में इसका कितना देगा, 1/4 हो जाएगा, तो इसका 2 times अपने को करना है, ठीक है ना। तो लगभग कितना हो जाएगा अपने पास में, 540, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा, समझ गए बात आप। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, देखो ए सैंपल कंसिस्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस पी एंड क्यू, ईच ऑफ मास 10^-2 kg, रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स इज 1:2 एंड देयर हाफ लाइफ आर 4 seconds एंड 8 seconds रेस्पेक्टिवली, पी एंड क्यू दैट रिमेन आफ्टर 16 seconds विल रेस्पेक्टिवली। तो बात सुनो भाई, देखो एक की अपन बात करते हैं ए, तो ए पहले कितना था बताओ, 10^-2 था, ठीक है ना, 2 की पावर कर दो कितना, हाफ लाइफ 16 seconds है, एक की जो हाफ लाइफ हो वो कितनी हो जाएगी 4, तो कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर देना। और बी की अपन बात करते हैं, इनिशियली कितना था बताओ, 10^-2 अपन 2 की पावर, हाफ लाइफ कितनी दे रखी है इसकी बताओ, 8 seconds दे रखी है, टाइम कितना है 16, तो 2 हाफ लाइफ से ये पास करेगा, ठीक है ना, इनको सॉल्व कर देना, के जी में आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए बात आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टी, देन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मास दैट रिमेन आफ्टर टी बाई टू विल बी। तो बात सुनो भाई, देखो ऐसा है कि एन इक्वल टू कितना होता है, एन नॉट अपॉन 2^n एन होता है, और एन इक्वल टू कितना होता है, टी अपॉन टी हाफ होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास एन नॉट अपॉन 2^ टी, टी कितना देगा आपके पास टी बाई टू, और टी हाफ कितना देगा टी, तो क्या बन जाएगा आपके पास एन नॉट अपॉन 2^ हाफ आ जाएगा, तो इसको अपन बोल देंगे एन नॉट अपॉन क्या देगा बताओ, 2, ठीक है ना, तो 1/2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 अपन देखते हैं क्या कर रहा है, देखो व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट ए डिस्टेंस 0.2 meters फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक सेल, द सेचुरेशन करंट एंड कट ऑफ वोल्टेज आर 12 mA एंड 0.5 volts, इफ द सेम सोर्स इज प्लेस 0.5 meters अवे फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक सेल देन द सेचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आर। बात सुनो अभी, पहले डिस्टेंस कितनी थी, 0.2 थी, अब जी डिस्टेंस को आपने कर दिया 0.4, डिस्टेंस को अगर आप कर दोगे डबल तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सेचुरेशन करंट हो जाएगी। डिस्टेंस को डबल कर दोगे इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, तो सेचुरेशन करंट है वो भी क्या देगी, 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 ऑफ 12 तो कितना देगा भाई, 3 mA, ये तो सेचुरेशन करंट हो गई। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम, और सेम का मतलब हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कितना था 0.5, तो 0.5 ही रहेगा, तो 3 mA 0.5, थर्ड ऑप्शन। देखो क्या करें, द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2E टू E लेवल,
इमिटिंग फोटॉन लेमडा, 4e से जब ई में आता तो कितना वेवलेंथ इमिट करेगा ये, 2e से ई में आया तो एनर्जी डिफरेंस कितना देगा बताओ ई, और ई इक्वल टू कितना देगा बताओ एच सी बाई, ये आपके पास लेमडा आ गया। और अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो 4e बाई 3 माइनस ई इक्वल टू कितना देगा बताओ ई बाई 3 इक्वल टू कितना देगा बताओ एच सी बाई लेमडा डे सा देगा। समझ गए बात आप, तो ई को अपन क्या बोल सकते हैं भाई एच सी बाई लेमडा, तो इसको अपन बोल देंगे एच सी बाई लेमडा, और पहले से यहाँ पे 3 रखा हुआ है 3, तो यहाँ से लेमडा डे इक्वल टू कितना देगा बताओ 3 लेमडा, तो 3 लेमडा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ देगा। ये क्या कर रहा है देखो ध्यान से, 1200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ ए सिंगल यूरेनियम 235 न्यूक्लियस 200 नंबर ऑफ फ्यूजन्स रिक्वायर्ड फॉर सेकंड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर सेल बी गिवन। अब बात सुना भी, देखो नंबर ऑफ फ्यूजन्स रिक्वायर्ड, मान लो कि नंबर ऑफ फ्यूजन्स कितने हो जाएंगे बताओ एन हो गया, एक फ्यूजन कितनी एनर्जी देता है बताओ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो 200 मेगा मतलब कितना देगा 10^6 हो गया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना देगा 1.6 × 10^-19 जूल हो गया, इतनी एनर्जी होगी, ठीक है ना, और पर सेकंड की बात करें ठीक है ना, तो बाई टी एन बाई टी हो गया, तो ये तो पावर बन जाएगी, और पावर कितनी देगी आपके पास बताओ, ये बन जाएगी कितनी 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट, किलो का मतलब कितना हो जाएगा 10^3 हो जाएगा, सोल्व कर देना एन बाई टी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी सीधी। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए प्रोटॉन इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट वी नॉट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25% देन द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन वॉज। देखो अपन जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी होता है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी टू द पावर माइनस 1 हो गया, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा अपॉन क्या देगा लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन क्या देगा पी। अब डेल्टा लेमडा की अपन बात करते हैं 0.25 का चेंज किया आपने, ठीक है ना, 0.25 का चेंज हो जाता है, इनिशियली कितना था मान के चलेगा 100 था, समझ गए, इसके बाद डेल्टा पी की बात करते हैं तो डेल्टा पी कितना देगा बताओ पी नॉट, इनिशियल मोमेंटम कितना था पी था, सोल्व कर देना पी क्वेश्चन कितना देगा 400 पी नॉट आ देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन क्या करें, ये कह रहा है कि फोटोन ऑफ एनर्जी इज इजेक्ट से फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस वर्क फंक्शन देर का आपको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है फिर उसके बाद में रेडियस आर, आर आपको पूछ रखा है, तो बच्चों आर इक्वल टू क्या होता है अभी एम वी अपॉन क्या होता है क्यू बी होता है, ठीक है ना, और एम वी को अपन क्या बोल सकते हैं पी अपॉन क्या देगा क्यू बी, इसको अपन बोलेंगे ई बी बोलेंगे, और पी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं क्या होता है E माइनस क्या होता है फाई नॉट, फाई नॉट को यहाँ पे अपन W नॉट लिख देंगे अपॉन क्या देगा बताओ ई पी, यही आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2m E माइनस W नॉट अपॉन ई पी, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं अपन क्या करें, ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपको गिवन है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी आपको पूछ रखी है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ तो क्या होता है डेल्टा एम इंटू क्या होता है बताओ सी स्क्वायर या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी, समझ गए बात आप, तो एक बात तो आपको पता है कि जो हीलियम न्यूक्लियस है उसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दो तो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दो प्रोटॉन का मास कितना देगा 1.0087, ठीक है ना, और ये न्यूट्रॉन का हो गया और प्रोटॉन का कितना देगा 1.0073, ठीक है ना, ये इसका थ्योरेटिकल मास हो गया, और माइनस प्रैक्टिकल मास क्या होता है बताओ 4.0015, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल मास हो गया जो कि कम होता है, और इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 1 मिलीग्राम की कोरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी इसके अंदर पूछ रखी है, तो ई क्वेश्चन क्या होता है बताओ एम इंटू सी स्क्वायर होता है, एम कितना देगा 1 मिलीग्राम
तो मिली मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम, मतलब कितना देगा 10 टू दी पावर माइनस का 3 किलोग्राम इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 स्क्वायर कर दोगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 16 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, बोरोन ने इसके दो आइसोटोप्स आपको दे रखे हैं, तो आपको बताया कि मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है बताओ, M1X1 प्लस क्या होता है बताओ M2X2 अपॉन M1 प्लस क्या होता है M2 होता है। तो मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है आपको बताओ 10.81 इक्वल टू, समझ गए, M1 कितना देगा बताओ 10, इसको आप बोल दोगे X1 ठीक है, और प्लस M2 कितना देगा 11, इसको आप बोल दोगे X2 ठीक है ना, अपॉन M1 प्लस M2 ठीक है ना, सॉरी M1 प्लस M2 नहीं होता, ये होता है X1 प्लस X2 होता है। तो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है इसको अपन दोबारा से लिख देते हैं। देखो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके पास M1 X1 प्लस क्या होता है M2 X2 अपॉन X1 प्लस X2 होता है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना दे रखा आपको बताओ 10.81 इक्वल टू M1 कितना देगा 10 X1 प्लस 11 X2, 10 और 11 का रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास X1 प्लस क्या देगा X2, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, फिर उसके बाद में X1 को उधर ले जाना, X2 को इधर ले जाना, X1 X2 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी जिसे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्या करें, इन ए फ्यूजन प्रोसेस जो ए है वो किस में डिवाइड होता है बी और सी में, तो बात सुना भाई ए है वो किसके अंदर डिवाइड होता है बी और सी में, तो बी प्लस सी हो गया, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या देगी ई ए, इसकी क्या देगी आपके पास है ई बी, और इसकी क्या देगी बताओ ई ए, और इसको अपन बोल सकते हैं ई बी, और इसको अपन क्या बोल देते हैं ई सी, तो ये तो रिएक्टेंट्स की होगी, ये प्रोडक्ट्स की होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स है उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, तो बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ये, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या करें, ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको तो पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू क्या होता है EVr अपॉन 2 होता है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा V into R, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Z/N और R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है N²/Z, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N^1 और ये क्वांटाइज्ड भी होता है आपको पता है N^1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ चुके हैं अपन, क्या करें, ये कह रहा है कि कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का, देखें फोटोन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वुड बी इमिटेड फ्रॉम द, देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा शॉर्टेस्ट, इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या देगी बताओ मैक्सिमम हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी किसकी सी की, समझ गए बात आप, तो एनर्जी हो जाएगी किसकी सी की, और सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी बताओ, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी किसकी, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी, अब अपने को इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है ना, इसका इस डी का और किसका ए का, तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की बात करते हैं, तो ए की एनर्जी ई प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ ई इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट मान लो आप के मान लो ठीक है ना, 13.6 होता है वैसे, तो 1/4 ये क्या बन जाएगा 1/16 माइनस 1/∞ जीरो आ जाएगा, और इसकी एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं इस डी की एनर्जी, तो क्या बन जाएगा ई इक्व टू ये बन जाएगा के, कहाँ से कहाँ पे आ रहा है बताओ ये आ रहा है 4 से 3 में आ रहा है, तो 1/9 माइनस क्या बन जाएगा आपके पास 1/16 आ जाएगा, समझ गए बात आप, तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन के इंटू 16 - 9 कितना हो जाएगा बताओ 7 अपन ठीक है ना 9 इंटू 16। अब ये इसकी एनर्जी आ चुकी है और ये इसकी एनर्जी आ चुकी है ठीक है ना, तो अपन देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 7/9,
ये एक से छोटा हो गया, 2/16 दोनों के अंदर है, तो ये वाली एनर्जी छोटी होगी, तो ये डी की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो डी है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं डी, सी और डी, सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 39, क्या कह रहा है। हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इट इमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो एन से वन के अंदर आ रहा है ना, एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, तो एन से वन में आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू बात करनी है आपको, तो 1/λ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, आर जेड स्क्वायर कितना देगा, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर, वन में आ रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, कहाँ से आ रहा है, एन से, ठीक है ना। इसको सोल्व कर देंगे अपन, और एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है ना, वैल्यू ऑफ एन, एन फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लेते हैं एक बार अपन, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा इंटू आर, तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा आर माइनस 1 अपॉन कितना देगा आपके पास लैम्डा आर, तो एन इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1 का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा आर अपॉन लैम्डा आर माइनस 1 का रूट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं अपन, क्या करें, टू बल्ब्स, एक तो क्या हो जाएगा रेड, एक क्या हो जाएगा ब्लू, दोनों की पावर सेम है और दोनों के पर सेकेंड फोटोन्स आपको गिवन है, तो ये तो अपन जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, पी लैम्डा अपॉन क्या होता है एच सी, बाकी सब सेम है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अपन जानते हैं कि n क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रेड और एक ब्लू, तो n रेड ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास में, सॉरी लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा रेड का सबसे बड़ा होता है विजिबल की बात करें तो ब्लू से, तो ये आपके पास हो जाएगा एन रेड ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास है एन ब्लू, तो एन रेड ग्रेटर देन एन ब्लू, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अपन देखते हैं क्या करे। देखो ये कह रहा है कि लैंग्वेज आप पढ़ लेना, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, वी और किसके बीच में, फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है, वी क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और आपको बोला रहे ग्राफ ऑब्टेन सोन फिगर, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड एट फ्रीक्वेंसी F1, इस फ्रीक्वेंसी F1 पे आपको बात करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है, तो के मैक्सिमम होता है एनर्जी, इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, तो एच फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताओ F1, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है F0 है, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा एच F0 हो जाएगा, तो H F1 माइनस क्या देगा बताओ F0, आंसर आ गया F1 माइनस F0, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 42 पे आते हैं, बहुत आसान है, ये 3m है, रेस्ट में दो भागों में स्प्लिट होता है, एक तो 2m में और एक इसमें m में, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, दोनों का मोमेंटम है P1 और P2, P1 P2 क्या हो जाएंगे सेम, तो दोनों के लैम्डा सेम हो जाएंगे क्योंकि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है P, तो लैम्डा सेम हो जाएंगे 1:1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 43 की बात करते हैं अपन, अब बात सुना भी आपको बताए कि के मैक्स इक्वल टू क्या होता है एच न्यू माइनस क्या होता है फाई नॉट होता है, के मैक्स को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ ईवी बोल सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ h बाई ई न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c कंपेयर करवा दोगे तो स्लोप m इक्वल टू क्या देगा h बाई ई आ जाएगा, h बाई ई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वर्क फंक्शन दे रखा है मेटल का, 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट से अपन इसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पे एनर्जी, एनर्जी कितना देगी 12400 अपॉन कितना देगा बताओ 4000 माइनस कितना देगा बताओ वर्क फंक्शन 2.5, तो ये तो कितना देगा आपके पास है 3.1 माइनस कितना देगा 2.5, ठीक है ना, तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, ये तो आपको डायरेक्टली याद होगा भी, आपको पता है कि एन लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है, समझ गए बात आप। और इसी की हेल्प से आपको पता होगा कि जो डी ब्रोगली है इसने बोर के क्वांटाइजेशन को प्रूव किया था, ठीक है ना। उसने बताया था कि कोई भी जैसे ऑर्बिट है उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो लेमडा की इंटीजर नंबर होती है, ठीक है ना, एन टाइम्स ऑफ लेमडा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की अपन बात करते हैं। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, अब बात सुना भी, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, देर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। बिल्कुल थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इमिट नहीं होते, ये सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद में, इवन वेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीजिएटली। बिल्कुल, फेंटली का मतलब होता है कमजोर। तो अगर अपन जैसे मतलब कम इंटेंसिटी की लाइट पे इंसिडेंट करवाएंगे तो भी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इमिट हो जाते हैं, बशर्ते जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो तीनों ही सही हो गए। चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज, इसका कोई मतलब नहीं, ए बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 47 की बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या करें, ये ए और बी यहाँ पे और सी यहाँ पे आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल से अपन डिटरमाइन कर देंगे। सेचुरेशन करंट से अपन बता सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए इससे बड़ी हो जाएगी बी और सी की इंटेंसिटी। अब देख लो, ए और बी की फ्रीक्वेंसी बराबर है और ए और बी की इंटेंसिटी बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, देखो ये तो आपने इस प्रकार की क्वेश्चन खूब करके होंगे। 222 माइनस कितना देगा 210, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये तो आपके पास आ जाएंगे एल्फा, 12/4 कितना देगा 3 एल्फा आ गया। सबसे पहले जो ए है, ए में कितनी कमी आ रही है उससे अपन एल्फा को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये आपके पास में कितना था, 86 था, ठीक है ना, जे डेस निकाल लेते हैं, जे डेस, ठीक है, तो 86 था, 3 एल्फा चले गए तो माइनस कितना देगा बताओ, ये आपके पास में देगा 6, तो इक्वल टू कितना देगा बताओ, 80 आ जाएगा, अभी 3 एल्फा का 80 आ गया। अब ये आपके पास में क्या देगा बताओ, देखो पहले कितना था आपके पास, 86 था, ठीक है, और एक एल्फा है वो जेड में 2 की कमी करता है तो 3 एल्फा चले गए तो वो 6 की कमी करेंगे तो 86 माइनस 6 इक्वल टू कितना देगा 80। अब 80 से आपको 84 पे जाना है तो 4 बिट्टा देंगे तो बिट्टा इक्वल टू कितना देगा अभी, 84 माइनस कितना देगा 80, तो ये आपके पास 4 बिट्टा देंगे तो 3 एल्फा 4 बिट्टा, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, 4+2 कितना देगा 6, ये 6 हो गया तो यहां पर आ जाएगा 0, 9+4 कितना देगा 13, ये 12 है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये तो आपको पता है न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 50 पे बात करते हैं अपन, हाइपोथेटिकल एटम ट्रांजिस्टर फ्रॉम n बराबर 4 टू n इक्वल टू 3 प्रोड्यूस विजिबल लाइट देन पॉसिबल ट्रांजिस्टर ऑब्टेन इंफ्रारेड। तो बात सुना भी, ये बन जाएगा आपके पास n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मान लो, 1 2 3 4 5, 4 से 3 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 4 से 3 में आ रहा है। अब ये कौन सी दे रहा है बताओ, ये दे रहा है अपने को क्या, विजिबल, ये विजिबल हो गया, कोई हाइपोथेटिकल एटम है। अब आपको बताया कि अब अपने को बात करनी है इन्फ्रारेड की, बात करते हैं इन्फ्रारेड, तो इन्फ्रारेड है और ये क्या आपके पास में विजिबल है, ठीक है ना,
तो अगर अपन बात करते हैं तो इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, लेमडा इसकी ज़्यादा होती है, और लेमडा ज़्यादा होती है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो आप देख लो कौन सा ट्रांजिशन हो कम एनर्जी दे सकता है, ठीक है ना। तो लेमडा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम किसकी हो जाएगी बताओ, इलेक्ट्रॉन 5 से अगर 3 में आएगा तो इसकी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, कम एनर्जी का चाहिए। 3 से 1 में आ रहा है तो 3 से मतलब इसकी भी ज़्यादा हो जाएगी। 4 से 2 में आ रहा है तो 4 से 2 में आ रहा है इसकी भी नहीं होगी। तो फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम विद एन इलेक्ट्रॉन एंथ ऑर्बिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर यूज टू आयोनाइज द एटम, ठीक है ना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन वैल्यू ऑफ एन ईच। बात सुनो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 90 नैनोमीटर है तो एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये कितना देगा आपके पास है 1242, ये आपको गिवन है, डिवाइडेड बाई कितना देगा 90। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी अपने पास में फोटोन की एनर्जी जो अपने इंसिडेंट करवाई है, तो 1242 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है ना। तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 13.8, 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका है। समझ गए बात आप। अब इसमें से बाकी तो कंज्यूम कर लेता है, और 10.4 है वो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो 10.4 तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी बची गई, तो कंज्यूम कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देते हैं अपन कितनी, 10.4, तो ये आपके पास आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये बात हो गई भी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, और इसको अपन बराबर कर देते हैं कि इसके 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एन स्क्वायर इक्व टू कितना देगा, 4, तो एन इक्व टू क्या देगा आपके पास में, 2, सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2 आयन हैज एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। तो बात सीधी सी है कि 3h/2π का मतलब थर्ड ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, तो एन इक्व टू कितना देगा, एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल इंटीजर nh/2π, तो एन इक्व टू 3 आ गया। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट इज पाई पी पाई ए नॉट, ए नॉट इज द बोर रेडियस, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं क्या बन जाएगा आपके पास में, ए नॉट इज द बोर रेडियस। तो यहां से सबसे पहले अपन इसकी रेडियस निकाल लेते हैं आर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाई जेड। तो अपन बात करते हैं थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना देगा भाई, तो यहां से आपके पास है आर नॉट इक्व टू ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर, एन कितना देगा, थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना देगा बताओ, 9, डिवाइडेड बाई जेड। तो जेड कितना देगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए कितना होता है 3, तो ये आपके पास में कितना देगा, 3a0 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो रेडियस आ चुकी है भाई, बोर रेडियस आपको गिवन है, और इसकी हेल्प से अपन ने क्या कर दिया है, जो Li+2 की जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी रेडियस अपन ने कैलकुलेट कर दी है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 उसकी रेडियस आ गई। अब अपन देखते हैं ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि 2πr' या 2πr' इक्वल्स टू कितना होता है, एन इंटू लेमडा होता है। अब आपको बोला जा रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लेमडा इक्वल्स टू, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना देगा, 2πr' डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास, एन, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2πr'। आर डेस कितना देगा भाई, 3a0 डिवाइडेड बाई एन, तो एन कितना देगा आपके पास, एन, एन 3 हो गया, पहले मैंने पता लगा लिया है, तो 3 से 3 को कैंसिल आउट कर लो, तो क्या बनेगा आपके पास, 2πa0 आ गया, और इसको अपन बोलेंगे pπa0, तो p की वैल्यू कितनी देगी, 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आपके अंदर आपका करेक्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ए सोर्स एस वन इज प्रोड्यूसिंग 10 टू द पावर 15 फोटॉन्स पर सेकंड ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, अनदर एस टू इज प्रोड्यूसिंग फोटॉन्स, वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो पावर ऑफ रेशियो पावर्स एस टू एस वन, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि एन इक्वल टू क्या होता है, पी लेमडा अपॉन एच सी होता है। यहां से अपन बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, पी इक्वल टू कितना देगा, एन एच सी अपॉन लेमडा हो गया, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं पी टू अपॉन क्या देगा बताओ, पी वन इक्वल टू, सबसे पहले टू की बात करते हैं, ठीक है ना, टू की बात करते हैं, टू की तो देखना ऐसे देखो पी टू, तो टू के लिए जो एच टू है उसके लिए एन कितना देगा बताओ, एन 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15 वो तो कैंसिल आउट देगा, डिवाइडेड बाई लेमडा, टू का जो लेमडा वो कितना देगा बताओ, 5100 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसके बाद में वन की बात करते हैं, इसका कितना देगा बताओ, ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है 10 टू द पावर 15, तो 10 टू द पावर 15 मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 इसका कैंसिल आउट देगा, और ये कितना देगा बताओ, 5000 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा अभी, समझ गए बात आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है देखो, एल्फा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.3 रेडियस आपको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पूछ रखी है, लेमडा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई पी, और पी को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, एम वी बोल दो, या इसको अपन बोल सकते हैं एच बाई पी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अभी एक होता ना आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी को अपन क्या बोल सकते हैं, पी अपॉन क्यू बी, तो यहां से अपने मोमेंटम निकालेंगे, तो पी इक्वल टू कितना देगा, क्यू बी इंटू आर आ गया, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास है क्या, लेमडा पूछ रखा है, तो एच अपॉन पी को अपन बोलेंगे क्यू बी आर, वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। 55 पे चलते हैं, क्या कहता है देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियस पी एन क्यू टू एन एक्स वाई जूल्स, एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन पी, देखो पी एन प्लस क्या देगा आपके पास है, पी एन इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, क्यू टू एन, इसकी कितने देगी बताओ एक्स, इसकी भी कितने देगी एक्स, और इसकी कितने देगी बताओ वाई, एक्स एक्स कितना देगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास y माइनस क्या देगा बताओ, 2x हो जाएगा, तो y माइनस 2x, अब अपन यहाँ से इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ये आपके पास है 2x माइनस क्या देगा बताओ y, तो माइनस 2x माइनस y, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। चले बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, ये पॉजिट्रॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स इलेक्ट्रॉन, ये पेयर एनिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफेक्टिव मास ऑफ ईच फोटोन इज 0.0016 mu, एनर्जी ऑफ ईच गामा फोटोन, ये मास आपको दे रखा है, तो एनर्जी ई इक्वल टू कितना होता है अभी, m इंटू सी स्क्वायर, तो m कितना देगा 0.0016 mu में दे रखा है, तो इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 931 अप्रोक्सीमेटली, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। भाई मास आपको देकर एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं, काइनेटिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास एम नॉट एंड मूविंग विद स्पीड 0.8c, तो m इक्वल टू कितना देगा अभी, ये आपके पास m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस क्या देगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कर देंगे, तो v बाई c कितना देगा 0.8, तो इसको अपन कर देंगे 0.8, इसका क्या कर देंगे बताओ होल स्क्वायर, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई ओरिजिनली एट रेस्ट डिकेज बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी u, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस, पहले क्या था भाई, जीरो मोमेंटम था, ठीक है ना, 238 इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट किया, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना देगा 4,
वेलोसिटी कितने देगी यू प्लस, बच का कितना आपके पास है 234 इंटू क्या देगा बताओ वी देगा, तो यहाँ से वी इक्व टू कितना बन जाएगा माइनस का 4u अपॉन 234, माइनस का साइन यहाँ पे ये बता देगी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस का 4u अपॉन 234 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला मत कर देना बिल्कुल, क्योंकि ये तो स्पीड की बात कर रहा है, अगर स्पीड होती तो ये वाला आंसर सही होता। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि इन ए रेडियो एक्टिव मेटेरियल द एक्टिविटी एट टाइम T1 इज R1 एंड एट लेटर टाइम T2 इज R2, डीके कॉन्स्टेंट ऑफ द मेटेरियल लेमडा। देन देखो ऐसा है कि T1 पे एक्टिविटी कितना देगी बताओ R1, तो R1 इक्वल टू कितना देगा बताओ R0 e की पावर माइनस का लेमडा, ये आपके पास है T1। R2 इक्वल टू कितना देगा बताओ R0 e की पावर माइनस का लेमडा, ये आपके पास है T2 आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है R1 अपॉन R2 इक्वल टू e की पावर माइनस का इसके बाद में लेमडा, ठीक है ना, T1 और माइनस का ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा अभी प्लस का, तो प्लस कितना देगा आपके पास लेमडा T2 आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास R1 इक्वल टू R2 e की पावर माइनस का लेमडा, इसको अपन बोलेंगे T2 माइनस क्या हो जाएगा बताओ T1। समझ गए बात आप, तो माइनस का लेमडा तो फिर माइनस का नहीं आएगा ना, T2 अपन T1 कर दिया तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस आ गया, समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा R1 इक्वल टू R2 e की पावर लेमडा T2 माइनस T1, तो और माइनस का साइन अगर लगा रहे हो तो ये वाला देगा T1 माइनस T2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं, ये क्या कर रहा है देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपन जानते हैं आर इक्व टू क्या होता है बताओ R0 ए की पावर 1/3 होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 हो जाएगा, तो R2 अपॉन R1 इक्व टू क्या बन जाएगा A2 अपॉन A1 की पावर क्या देगा बताओ 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से R2 ये आपको कैलकुलेट करना है, R1 कितना देगा आपके पास 3.6 फर्मी हो गया, और इसके बाद A2 कितना देगा बताओ 125 आ गया, और ये कितना देगा 27, और इसकी पावर क्या देगा आपके पास 1/3 आ जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे 5 बोल देंगे, इसको अपन 3 बोल देंगे, तो यहाँ से आपके पास R2 इक्व टू क्या बन जाएगा भी, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपका मॉडर्न फिजिक्स के DCM का वीडियो सॉल्यूशन, कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस का अपने वीडियो सॉल्यूशन किया। इसके अंदर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले, इसके अंदर मैंने जैसे मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन देख सकते, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके भी क्वेश्चंस थे, मैटर वेव के क्वेश्चंस थे, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, ये टॉपिक्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। एक्सरे इसके क्वेश्चन है, नीट के अंदर न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सरे का एक भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको नहीं दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और नीट की जो तैयारी है उसको बिल्कुल एकदम फाइनल टच देने का टाइम आ गया है, तो बढ़िया से आप एकदम रिविजन करें, बढ़िया से आपने जो भी टॉपिक्स है जिनको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा था उनको आप रिवाइज करें, थ्योरी है वो कम से कम टाइम के लिए पढ़ें, मतलब कोई भी जैसे चैप्टर है उसकी थ्योरी में आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करें, क्वेश्चंस पे मेनली आप फोकस करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप देखें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब की बार आपको नीट को ठोक के आना है, और फर्स्ट रैंक अपनी होनी चाहिए, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक CLC से आनी चाहिए, ये संकल्प आप सब लोगों का होना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ चलो मिलते हैं फिर कभी, थैंक यू वेरी मच।